हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गूगल की तरफ से एक जॉब रिक्रूटमेंट आई है जो कि फ्रेशर्स बैच के लिए होने वाली है, पास आउट्स बैच के लिए होने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो जॉब अपडेट है गूगल की तरफ से वो सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर लूकर की है। दोस्तों, अब गूगल की तरफ से ये जॉब अपडेट है, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर आपको यहाँ पे जॉब पोस्ट मिलेगी। हैदराबाद तेलंगाना लोकेशन है। अप्लाई की लिंक पे जाके हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, उन्होंने बैचलर्स डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में, या इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपको प्रोडक्शन एक्सपीरियंस है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन अ क्लाउड एनवायरमेंट में, इसके साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एक या एक से ज्यादा शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि रूबी, गो या पाइथन। जो शेल स्क्रिप्टिंग नॉन शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है उनमें आपको ये नॉलेज होना चाहिए, रूबी, गो और पाइथन में से किसी एक में, या एक से ज्यादा में भी हो सकता है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन आपको बताऊं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा, कि कैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रबल शूटिंग स्किल्स, आप कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए वर्क कर सकते हैं इफेक्टिवली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल स्किल्स और कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही है कि आपको डेटा और जो मशीन लर्निंग का रोज का वर्क रहेगा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। जितने भी ऑटोमेट टास्क आते हैं उनको आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ग्लोबल ऑपरेशंस, ये सब आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी पास्ड आउट बैच हैं, फ्रेशर्स बैच है, ग्रेजुएट्स बैच है, अप्लाई कर सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई पे ना जाके हम अप्लाई पे देख लेते हैं कि किस टाइप से हमें अप्लाई करना है। अब आप देख लेते हैं कि गूगल कैरियर्स का एप्लीकेशन खुल रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस टाइप से यहाँ पे जो है वो आप पूरा इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप प्रीवियस एप्लीकेशन जाके देख सकते हैं। तो मैंने मेरी डिटेल्स पहले ही फिल कर दी थी कि घर का एड्रेस, फिर फोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर एजुकेशन और वॉलेंट्री सेल्फ डिटेक्शन फॉर्म, ये एडिट भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप से हमें पूरा फॉर्म एडिट करना है। उसके बाद हम इसे आई अंडरस्टैंड करके सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन। तो अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी ये सबमिट हो गई है जस्ट नाउ। आप देख सकते हैं कि ये सबमिट हो चुकी है, अभी हमने इसे सबमिट कर दिया है। तो इस टाइप से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, और इसकी जो भी प्रोसेस है दोस्तों वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस टाइप से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर आपको अप्लाई तो ऐसे ही करना है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म गूगल करियर्स पे नए हैं तो आपको सबसे पहले साइन इन करना है, उसके बाद जाके आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जॉब अपडेट फ्रेशर्स वीडियो के लिए। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है इंटर्नशिप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।